हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पी सी एस मेकर पे। मैं मनीष आर्य, आज जो पढ़ाऊंगा वो रीजनिंग का क्लास 8 है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग का क्लास 8। तो देखिएगा फ्रेंड्स, हमारा जो टारगेट है एक ही टारगेट है, अब की बार रेलवे पार और 60 दिन 180 वीडियो। और टाइमिंग एक बार फ्रेंड्स देख लीजिएगा, जीके जीएस 10 AM रीजनिंग 2 PM और मैथ्स 7 PM। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप लोग का डेली वीडियो इसी तरह आते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आते हैं हम लोग का, देखते हैं आज का हमारा क्लास है, क्लास 8 रीजनिंग, क्लास 8 RRB NTPC CBT1 और RRC ग्रुप डी। और ये डेली मॉक टेस्ट रहेगा और आपका अच्छी लेवल का क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। तो हम आज फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा फर्स्ट क्या है, तो स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन से आपका क्वेश्चन, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपको क्वेश्चन दिया हूँ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेटमेंट कथन क्या कह रहा है कि सभी पत्थर पुरुष है, सभी पत्थर पुरुष है। फ्रेंड्स देखिए, सभी पत्थर को अंदर रख दिए, सभी पत्थर क्या है पुरुष है, तो पुरुष को क्या कर दिए बाहर रख दिए। सभी पुरुष बाघ है, तो पुरुष क्या, सभी पुरुष क्या है तो बाघ है। मतलब कहने का क्या मतलब कि जो स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन रहता है, तो यहाँ पे सभी पत्थर पुरुष है और सभी पुरुष क्या है तो बाघ है। सभी पुरुष क्या है फ्रेंड्स, तो बाघ है। देखिएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है निष्कर्ष में, कंक्लूजन कि सभी पत्थर बाघ है, तो सभी पत्थर बाघ है, यानी कि जब हम लोग अंदर से बाहर आते तो सभी और कुछ दोनों फॉलो होता है, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन देखिए कि सभी बाघ पत्थर है, तो सभी बाघ, जब हम लोग जब हम बाहर से जब अंदर जाते तो केवल कुछ ही काम करता है, सभी काम नहीं करता, ऑल नहीं काम करता है, केवल सम काम करता है। ठीक है, ये मतलब क्या, फर्स्ट आपका राइट हो गया और सेकंड रॉन्ग हो गया। थर्ड देखिएगा फ्रेंड्स कि सभी पुरुष पत्थर है, तो सभी पुरुष, मैंने अभी आपको बताया कि जब हम लोग बाहर से अंदर जाते हैं ना, तो उसमें सभी काम नहीं करता है, केवल सम यानी कि कुछ काम करता है। जब हम लोग अंदर से जब बाहर आते तो उसमें सम और ऑल दोनों काम करता है, तो मतलब क्या ऑप्शन आपका ये गलत हो गया और ये गलत है। फोर्थ चेक करते हैं कि कुछ बाघ पत्थर है, तो देखिए फ्रेंड्स कुछ बाघ पत्थर है, तो सिंपल सा है कि कुछ बाघ, मैंने क्या बताया कि जब हम लोग बाहर से अंदर जाते तो केवल कुछ फॉलो होता है, तो यहाँ पे कुछ देखिए, तो मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट हो जाएगा। मतलब कि आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन 4 आपका सही है, बाकी आप दोनों गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहले आप लोग बनाइए, कोशिश कीजिए बनाने का, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, लेकिन ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको आराम से समझिएगा और देखिएगा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। देखिएगा कि 2 × 4 × 6 = 4 दिया हुआ है, 9 × 3 × 7 = 13 दिया हुआ है, 4 × 7 × 6 = 3 दिया हुआ है, और 9 × 7 × 8 = what क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें लॉजिक आपका क्या फॉलो हो रहा है, तो थोड़ा सा लॉजिक को देखिएगा, क्या आपका लॉजिक कह रहा है। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले तो ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे 4 कैसे आया, तो 4 आने का सर कंडीशन है, क्या है कंडीशन देखिए, तो सबसे पहले क्या किए हैं कि 6 − 4, जो −6 और माइनस, पहले क्या करते हैं 6 − 4 और प्लस का 2 कर दिए, तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 + 2 कितना होता है 4 होता है, यानी कि फर्स्ट वाला लॉजिक आपका ऐसा पैटर्न पे काम कर रहा है। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि 7 यहाँ पे क्या किया है कि 9 × 3 × 7 = 13 लिखा हुआ है, तो इसका लॉजिक क्या करेंगे कि 7 − 9 + क्या कर देंगे, 7 − 3 + 9 कर देंगे = 13 आ जाएगा। कैसे आ गया देखिएगा, तो 7 में से अगर 3 जाएगा तो 4 हो जाएगा, और 4 + 9 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। कहने का क्या मतलब, एक बार माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ठीक है समझ में आया ना। तो देखिए पहले आपको क्या हुआ, माइनस हो गया, फिर प्लस हो गया, आप देखिए क्या होगा, माइनस होगा, क्या होगा माइनस कि 6 − 7 + 4, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कि यहाँ पे 6 में से माइनस, मतलब 6 में से 7 जाएगा तो −1 − 1 + 4, तो क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, यानी कि जिसका नंबर में सिंबल में बड़ा रहता है, प्लस का सिंबल जो बड़ा रहेगा उसमें क्या करेंगे हम लोग प्लस लगाएंगे, तो यानी कि यहाँ पे आप −1 है और +3 है +4 है, ठीक है, तो इसमें से बड़ा कौन है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे −1 है और प्लस क्या है +4 है, तो दोनों में से बड़ा कौन है, तो बड़ा 4 है, तो सिंबल किसका होगा प्लस का हो जाएगा, कि −1 में से अगर 4 जाएगा तो 3 बचेगा ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या होगा 3 हो गया, यानी कि पैटर्न फर्स्ट, पैटर्न टू और पैटर्न थर्ड तीनों काम कर रहा है सेम पैटर्न पे। तो थर्ड हम लोग चेक करते हैं ना, तो थर्ड में देखिए क्या कि 9 × 7 × 8 है, तो यहाँ पे देखिए 8 − 7 + 9 कर दिए, तो 8 में से 7 जाएगा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 8 में से अगर 8 में से −7 करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, और प्लस का 1 में अगर +9 करेंगे तो 10 आंसर प्लस का हो जाएगा फ्रेंड्स, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए अगर ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो इसको 2-3 बार बना के देखिए, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बस इतना ही मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इसको, ठीक है, 2-3 बार प्रैक्टिस हो प्लीज़ आप इसको 2-3 बार बनाइए, क्योंकि मैं आप लोगों को बताया क्या कि अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन लेके आऊंगा, ताकि आपके एग्जाम में NTPC IRRC ग्रुप में एक भी क्वेश्चन ना छूटे।
ठीक है फ्रेंड्स, ये भी देखिए, ये भी बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसको देखिए, आप ऐसा मत दीजिए, ऐसा मत सोचिए कि सर 10 ही क्वेश्चन है, मैं 10 ही क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन आपको बहुत ही अच्छे लेवल का फ्रेंड्स क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को दो चार क्वेश्चन पढ़ने से कम डेली 10 से 12 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें, कम से कम इतना प्रैक्टिस करें। अगर आप NTPC ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं या उसका तैयारी आप कर रहे हैं, कर लिए होंगे, तो फिर भी आप प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है, प्लीज़ आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग का अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, ये पैटर्न है, इसमें जो लुप्त संख्या है उसको क्या करना है, लुप्त नंबर जो आपका जो गायब हो गया ना, इसको ढूंढना है, तो इसको ढूंढिए, कैसे ढूंढिएगा, देखिए यहाँ पे 7, 6, 2, 84, 8, 9, 3, 216, 5 ? 6, 400। अब इसमें सोचिएगा कि इसमें क्या लॉजिक है, नहीं है, इसमें मल्टीप्लाई हुआ है कि गुना हुआ है, तो सिंपल सा है फ्रेंड्स, जब भी इतना बड़ा बड़ा नंबर है ना, तो सिंपल सा समझिए क्या कि इसमें क्या है कि मल्टीप्लीकेशन हुआ होगा, ठीक है, तो देखिएगा क्या मल्टीप्लीकेशन है, देखिएगा सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं कि 7 इस, ये देखो यहाँ पे 7 × 6 करेंगे तो कितना होगा, 42 हो जाएगा, 7 × 6 करेंगे 42 हो गया, मतलब क्या, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए, ये तीनों को क्या किया ना, मल्टीप्लाई कर दिया, क्या मल्टीप्लाई किया, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 7 × 6 किए 42 हो गया, और 42 में अगर 2 से मल्टीप्लाई किए तो 84 हो गया, देखिए, तो मतलब कि 84 आया, फर्स्ट वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो सेकंड वाला देखते हैं, तो 8 में 9 से फ्रेंड्स, अगर हम लोग 8 में अगर 9 से करेंगे तो क्या होगा, 8, 9, 72 हो जाएगा, और 72 में क्या होता है, 72 में अगर 3 से हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 × 3 क्या होता है, 269 216 हो जाएगा, मतलब कि आपका सेकंड वाला भी फॉलो कर रहा है, मतलब कहने का मतलब क्या, अगर फर्स्ट पैटर्न सेकंड पैटर्न अगर फॉलो कर रहा है तो थर्ड पैटर्न वही होगा, सेम होगा, तो थर्ड पैटर्न देखिए, थर्ड पैटर्न में क्या कर रहा है कि 5 × 30, यहाँ पे पहले क्वेश्चन एक बार देख लीजिए कि यहाँ पे देखिए 5 × ? है, इंटू है, उसके बाद ये देना है, तो यहाँ पे कितना से कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि इतना आ जाएगा, और इतना से कितना करेंगे कि 900 हो जाएगा, तो सबसे पहले ये सोचना है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कि अगर वहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो अगर हम 5 में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, अगर फ्रेंड्स अगर हम 5 में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये पता है आपको कि 5 में अगर हम लोग 30 से मल्टीप्लाई करें तो 150 हो जाएगा, क्योंकि 5 × 3 = 15 और एक जीरो लगा दे तो 150 हो गया, ठीक है, तो अब हम लोग 150 में अगर 6 से फ्रेंड्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर 150 यानी कि 150 में अगर हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 6 क्या होता है, 19, और जीरो यहाँ पे, तो यानी कि 900, तो बस वही फॉलो कर रहे, देखिए यहाँ पे क्या किया, 5 × 30 किए तो 150 आया, 150 आया, और 150 में अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, अच्छा क्वेश्चन, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, समझ में आया ना, प्लीज़ आप लोग कमेंट नहीं करते, एक बार कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा, अगर आप लोग का कमेंट अच्छा आता है तो थोड़ा सा अच्छा फील होता है, तो प्लीज़ एक बार देखिए क्वेश्चन को और कमेंट करके फ्रेंड्स बताइए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए डेली क्लास में लेके आता हूँ मैथ्स रीजनिंग और साइंस का, तो प्लीज़ एक बार बताइएगा कमेंट्स करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, ये समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका, ये भी बहुत अच्छे लॉजिक का क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है कि सोशल SOCIL सोशल रिलेटेड है OCIL से, OCL से, तो ड्राइविन किससे रिलेटेड है, तो सिंपल सा फ्रेंड्स देखिए, तो आपको इसमें कुछ लॉजिक लग रहा है क्या, क्या लॉजिक लग रहा है कि आप सोचिएगा कि इसका अल्फ़ाबेट लिखेंगे शर्ट, इसका नंबर पहले बताए थे, ऐसा मतलब ऐसा भी बिल्कुल मत कर दीजिएगा कि उसका पहले अल्फ़ाबेट, देखिए मैं अल्फ़ाबेट आपको याद करने के लिए बताया था, लेकिन क्या करना है ना कि सबसे पहले क्वेश्चन देखते अल्फ़ाबेट लिखना स्टार्ट नहीं कर देना, पहले कुछ देखना है, कुछ लॉजिक, तो यहाँ पे पैटर्न तो फॉलो नहीं हो रहा है ना, अगर कोई पैटर्न फॉलो हो रहा तो कहला हम क्यों हम लिखेंगे, मतलब क्यों लिखेंगे हम यहाँ पे, क्या करेंगे कि हम क्यों लिखेंगे उसका नंबर नहीं लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे SOCIL लिखा हुआ है, यहाँ पे OCIL, तो देखिए अगर इससे पहले अगर S लगा देंगे, यहाँ पे S काट देंगे, ठीक है फ्रेंड्स, अगर इससे पहले S लगा के यहाँ पे काट देंगे तो देखिए तो सोशल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो वाह सर पैटर्न आंसर तो हमारा क्वेश्चन में ही है, तो सिंपल सा फ्रेंड्स, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है इसमें, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि SOCIL लिखा है, मतलब कि आप S जो ये S हटा के ना फ्रेंड्स, ये S हटा के डायरेक्टली लास्ट में लिख दिया है, बाकी सब पैटर्न वही और कोई चेंज नहीं किया, ठीक है, तो क्या किया है देखिए, यहाँ पे SOCIL है, तो देखिए OCIL और लास्ट में क्या लगा दिया, S लगा दिया, तो S हो गया, तो इसी प्रकार से इसमें कीजिए ना, तो ड्राइविन लिखा हुआ है तो RIVN लिख के लास्ट में D लगा दिया, यानी कि फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि RIVEND, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बस देखिए ऐसे क्वेश्चन को ऐसा नहीं है कि इसका अल्फाबेट देखिएगा, मतलब इस क्वेश्चन को देखना है, उसको पैटर्न को ढूंढना है कि आपको पैटर्न है क्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका, ये भी अच्छा लॉजिक है क्वेश्चन का, देखिएगा अच्छे से समझिएगा इसको, ठीक है, इसमें भी कुछ लॉजिक है, आप लोगों को डाउट होगा मैं अच्छे से आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1/8 ratio 1/64, ठीक है ना, तो मतलब कि 1/8 रिलेटेड है 1/64 से, ठीक है फ्रेंड्स, 1/8 रिलेटेड है 1/64 से, तो 1/16 किससे रिलेटेड है,
तो सिंपल सा है, देखिएगा इसको किससे रिलेटेड है। तो देखिए वहाँ पे 1/8 रेशियो 64 है फ्रेंड्स। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं ना कि सर यहाँ पे 8 है तो 8 का स्क्वायर किए, सिंपल सा है कि 8 का स्क्वायर तो 8 क्या होता है 64 होता है, तो आगे भी हम लोग 8 का स्क्वायर करेंगे, यही करेंगे ना कि 16 का स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर क्या होता है, तो 16 का स्क्वायर 256 यानी 256 होता है ना। तो ऐसा बिल्कुल ही मत कीजिएगा क्योंकि आपके ऑप्शन भी थोड़ा चेक करना है फ्रेंड्स, ठीक है। हाँ, अगर आपका ऑप्शन में 256 रहता तो आप राइट आंसर कर देते, लेकिन ऑप्शन है क्या, ऑप्शन आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है ना, तो देखिए क्या करना है, सिंपल सा है फ्रेंड कि 8 में 8 से मल्टीप्लाई किए तो 64 आ गया इसके नीचे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिएगा अगर हम 16 में अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 जगह क्या होता है 128। तो फ्रेंड्स तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा ऐसा नहीं यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर हम किए हैं क्या, स्क्वायर नहीं किए क्योंकि स्क्वायर जरूरी नहीं कि आपका स्क्वायर में ही आंसर हो। हाँ, अगर 256 रहता ना तो यहाँ पे 16 का स्क्वायर सही रहता, लेकिन देखिए आपको क्या किया ना कि आपका टाइम वेस्ट करवाने के लिए यहाँ पे क्या किया, तो 8 में 8 से मल्टीप्लाई किए 64, तो यहाँ पे हम लोग फ्रेंड्स 6 में 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 128 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपको बोला ऑड वन आउट चूज करने के लिए कि यहाँ पे ऑड वन आउट कौन है उसको देखना है। तो सिंपल सा समझिए, 42:4 है, 48:6 है, 32:2 है, 15:5 है। फ्रेंड्स देखिए इसमें ऑड वन आउट चुनना है, तो सबसे पहले नहीं सब कौन मतलब कि डिविजुअल पूरा मतलब जो भी कोई भी नंबर से डिविजुअल है या नहीं है, पूरा डिविजुअल होना चाहिए, मतलब पूरा ये कटना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन ए में 8:48 कट जाएगा, यहाँ पे देखिए तो 16:32 कट जाएगा, 5:15 कट जाएगा, मतलब क्या आपका तीनों मतलब डिविजुअल हो जा रहा है या कट जा रहा है, लेकिन आपका देखिए 42/4 है, ये कट रहेगा पूरा नहीं कटेगा ना, क्यों नहीं कटेगा, तो यहाँ पे देखिए 4×4 करेंगे 1 और 4×5=20, तो 1.5 आ गया, मतलब पूरा कटेगा लेकिन पॉइंट में आएगा, बाकी देखिए तो सब तो डायरेक्टली कट रहा है ना, किसी का पॉइंट में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना। तो फ्रेंड्स इसमें से ऑड वन आउट जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि 42/4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, समझ में आया ना। तो समझिएगा अच्छे से क्योंकि समझ में आना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ समझाने के लिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही फ्रेंड्स, ठीक है ना। आपको अगर बिलीव नहीं हो रहा है तो एक बार देखे देखिए ना टेस्ट, आप मॉक टेस्ट जो 10-12 क्वेश्चन रहता है इसको आप देखे देखिए, आपको ऐसा लग रहा है मैं खुद मतलब इसको मैं लिखता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा राइटिंग ठीक नहीं है समझ रहा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे से बताऊँ लिख मतलब बताओ, क्योंकि आपको तो क्या है ना कि ये NTPC ग्रुप डी के एग्जाम में आपको तो राइटिंग वहाँ पे खोजा नहीं जाता है ना, वहाँ पे खोजा क्या आता है कि आपको आंसर आता है कि नहीं आता, बस उसमें टिकआउट करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो ऐसा मत बिल्कुल मत सोचिए क्योंकि थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होता है, लेकिन हाँ जो भी है मैं बताने कोशिश करता हूँ कि मैं आपको अच्छे से बताऊँ फ्रेंड्स प्लीज, ठीक है ना। तो ऐसा मत कीजिएगा कि राइटिंग खराब नहीं है, लेकिन बस यही है कि थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होता है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आप लोग को अच्छे से बता सकूँ। देखिए फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन है, मतलब इसमें भी ऑड वन आउट ही चूज करना है, मतलब कोई एक अलग इसमें से कौन है, ईयर 2012 ईयर 2005 और ईयर क्या 1996, तो इसमें आप लोग लॉजिक सोच रहे होंगे क्या होगा नहीं होगा, इसमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो समझ में इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आप लोग कैलेंडर नहीं पढ़े होंगे ना, तो कैलेंडर पढ़े हैं तो कैलेंडर में एक क्वेश्चन आता है लीप ईयर का, ठीक है ना। तो इसमें देखिए 2005 आपका लीप ईयर नहीं है, 1997 आपका लीप ईयर नहीं है, 1998 लीप ईयर नहीं, तो आप लोग सोचे आप लोग के मन में क्वेश्चन है कि सर लीप ईयर हम लोग जानेंगे कैसे, लीप ईयर होगा कैसे, हमको पता नहीं चलेगा ना। तो सिंपल सा मैं आपको लोग बता दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि लीप ईयर कैसे पता कीजिएगा, किसी भी अगर कोई भी साल आपको दिया हो रहेगा, अगर उसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, अगर 4 से डिवाइड करेंगे अगर वो पूरा डिविजुअल हो जाएगा तो वो समझिएगा वो साल कौन सा है आपका, वो साल लीप ईयर है। कहने का क्या मतलब, देखिए 4 है यहाँ पे क्या करेंगे 2012 है ना, तो 4×5 क्या होगा 20 और 4×3 क्या होगा 12, तो ये आपका कट रहा है पूरा कि नहीं कट रहा है, तो कट रहा है मतलब क्या आपका ये लीप ईयर है। चलिए मैं दूसरा भी चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 1998 है, अब इसको 4 से डिवाइड दीजिए, तो यहाँ पे 4 किए क्या हो जाएगा 5×4=12, 4×4=16, तो यहाँ पे 4×5=20 नहीं लगेगा, तो 4×3 क्या करेंगे 16 करिए, 9 में से 3 देखिए तो 9 मतलब 4×4=24, 4×7=28, 4×8 तो 49 क्या हो जाएगा 36, यहाँ पे 36 लगाएंगे 3×38, फिर या क्या होगा कि पूरा डिविजुअल नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग देखिएगा कि अगर आपको डाउट हो रहा है तो जितने भी यहाँ पे दिया हुआ है ना ईयर दिया हुआ है सबको डिवाइड करके देखिए, अगर वो 4 से डिविजुअल हो जाएगा ना वो लीप ईयर हो जाएगा, सिंपल सा है। तो ना 2 होगा ना 4 होगा ना 3 होगा, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका लीप ईयर है, 2012 आपका क्या है लीप ईयर साल है। तो हमेशा याद रखिएगा अगर आप लोग सीखे होंगे तो प्लीज़ आप जरूर बताएं कि हाँ सर मैं कुछ नया सीखा हूँ, ठीक है, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है कि एक कूट भाषा में TRIPLE को SQHOKD लिखा जाता है, उस कूट भाषा में dispose में किस प्रकार लिखा जाएगा। सिंपल सा फ्रेंड्स, अगर ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ना
तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना, ज़्यादा दिमागी नहीं लगाना। क्या नहीं लगाना? दिमागी नहीं लगाना। क्यों? देखिए, ये आपका सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको ना सबसे पहले आपका पोजीशन याद होना चाहिए। मतलब क्या कि जो जितने भी लेटर है ना, ये लेटर का पोजीशन याद होना चाहिए। अगर पोजीशन आपका आपको याद है तो इजी आपके लिए, सिंपल सा है। देखिएगा, टी का पोजीशन टी 420, आर का होता है 18, आई का होता है 9, पी का होता है 16, एल का होता है 12 और ई का होता है 5। उसी प्रकार से ट्रिपल को किससे रिलेट किया था, एस क्यू एच ओ के डी से। तो यहाँ पे देखिएगा एस क्यू एच ओ के डी, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ था, देखिए एस का जो पोजीशन है वो 19 है, क्यू का है 17, एच का है 8, ओ का है 15, के का है 11 और डी का है 4। तो देखिए फ्रेंड्स क्या आपको लॉजिक कर रहा है, हमको टी से मतलब क्या कर रहा है, एस है, आर एक आर क्यू है, आई है, एच है, पी है, ओ है। मतलब कहने का मतलब क्या, अगर हम ऐसे पढ़ते हैं, एस में 1 ऐड किए तो टी क्यू प्लस 1 आर जी एच आई एम एन ओ पी के एल डी ई। कहने का क्या मतलब कि आपका प्लस 1 ऊपर ऐड हो रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, ऊपर ऐड नहीं करना है, क्योंकि हम लोग को ये तो दिए हुए ना, तो हमको इसके बारे में ढूंढना है, तो हम लोग माइनस को 1 कर देंगे। तो 20 में से माइनस 1 जाएगा तो 19 हो जाएगा, 18 में से माइनस 1 जाएगा तो 17 हो जाएगा, 9 में से माइनस 1 जाएगा तो 8 हो गया, 16 में से 1 जाएगा तो 15 हो जाएगा, 12 में से 1 जाएगा तो के हो गया 11 हो गया, 5 में से 1 जाएगा तो डी हो गया। मतलब कहने का मतलब क्या फ्रेंड्स, आपका जितना भी यहाँ पे ये पोजीशन दिए हुए ना, सब में क्या किया है, माइनस का 1 किए हुए। तो बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखिए क्या है आपका, क्या डिस्पोज लिखा होता है, डिस्पोज डी का पोजीशन होता है 4, ठीक है, तो 4 हो गया, आई का हो गया 9, एस का हो गया 19, पी का हो गया 16, ओ का होगा 15, एस का हो गया 19 और ई का हो गया 5। तो देखिए फ्रेंड्स, डी से अगर हम सी पे आएंगे तो माइनस का एक करते, मतलब सी का क्या होता है, पोजीशन 3 होता है, आई का पोजीशन 8 होता है, आर का पोजीशन क्या होता है 18 होता है, एम का क्या होता है 15 होता है, ओ से अगर हम एन जाएंगे तो 14 हो गया, आर का हो गया फ्रेंड्स 18 और डी का क्या हो गया 4 हो गया। मतलब क्या निकाला, मतलब कि अगर हम सब में अगर माइनस का 1 कर दिए तो सी एच आर ओ एन आर डी हो जाएगा आंसर। देखिएगा CHRONRD फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स हमेशा एक बात याद रखिएगा, देखिए तो अगर मे बी अगर आपका C अगर पहला लेटर अगर मिल गया तो हमको क्या पूरा बनाने का टाइम वेस्ट करने का जरूरत है, पहले ही बताइए, है नहीं है ना। मैं हमेशा आप लोगों को बताया हूँ, आप लोग क्या कीजिए ना कि ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए। अगर आप लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करना या ऑप्शन को अगर छाटना सीख जाइएगा ना, तो आपका टाइम भी बचेगा और आपका क्वेश्चन जल्दी से बनेगा। तो देखिए आपका ए ये होगा नहीं, ये होगा नहीं और बी होगा नहीं, मतलब ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, तो बचा कौन सी, तो एक आया आपको डी में आसन मार के आगे निकल देना था, ठीक है ना। तो यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसा देख लीजिएगा अच्छों से और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में लॉजिकल क्या कह रहा है, सिंपल सा है, ये क्वेश्चन के अनुसार मैं आंसर बता रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसा मत सोचिएगा, ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है मानव यानी कि ह्यूमन, पक्षी बर्ड पशु एनिमल। मैं मतलब कहने का क्या, मतलब मानव पक्षी और पशु, मतलब ये तीनों में क्या है, देखिए तीनों में क्या है कि मतलब ये जो मानव है और एक पशु है पक्षी है, तो ऐसे मतलब आपको डायग्राम का क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आता है, तो इसको क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा और ऑप्शन 3 देखिएगा और ऑप्शन 4 देखिएगा। कहने का मतलब क्या कि जितने भी पशु है ना, जितने भी पशु है वो कुछ मानव है और कुछ पक्षी है, तो ऐसा थोड़ी है कि मानव पशु तो ये हमारा नहीं हो जाएगा। सेकंड देखिएगा कि सभी पक्षी क्या है, सभी मानव पक्षी, सभी पशु मानव है और सभी मानव क्या है पक्षी है, तो ये भी पैटर्न आपको फॉलो नहीं करेगा। फोर्थ देखिएगा कि कुछ मानव पशु है और कुछ पक्षी है, तो ये भी आपको फॉलो नहीं करेगा फ्रेंड्स। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, मतलब क्या ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिएगा सभी मानव क्या है पशु है, मतलब क्या जितने भी मतलब सभी पशु क्या है तो मानव, मतलब कि ऐसे कहने का मतलब होता है इसके अनुसार जो होगा ना आपका आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर यही आपका आंसर में ऐसे, अगर इसका आंसर मेरे अंदाज से कैसे बनना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि मानव अलग होते हैं, पक्षी अलग होते हैं और मनुष्य अलग होते हैं, तो इसके अनुसार आपका आंसर ये होना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि देखिए आप तो अपने दिमाग से सोचेगा कि सर ये कैसे बता दिए कि जो मनुष्य है वो क्या कि पशु थे। तो याद रखिए मेरा कहने का क्या मतलब कि पहले के जो लोग थे ना वो क्या थे, हमारे मनुष्य, मतलब क्या मनुष्य जो पहले थे वो पशु के जाति से थे ना, पशु से बिलोंग करते थे, तो वहाँ पे पशु, इसलिए उसके अनुसार यहाँ पे सभी मानव क्या थे पशु थे और पक्षी क्या हो जाएंगे यानी कि बर्ड्स क्या हो जाएंगे कि बर्ड्स हो जाएंगे अलग हो जाएंगे, ठीक है।
समझ गया ना। तो देखिएगा एप्स, सॉरी बर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एप्स बोलते हैं। एप्स मतलब पक्षी होता है, तो एप्स हमारा अलग हो गया और मनुष्य क्या हो गया, जानवर की तरह होता है, तो वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये किसके अनुसार है, ठीक है ना, ये जो पहले जो हमारे पूर्वज लोग थे उनके अनुसार ये आंसर दिया हुआ है इसमें। लेकिन मेरे अंदाज से मेरा जो राइट आंसर, हम जो राइट आंसर करते हैं वो मानव अलग होता, पक्षी अलग होता और पशु अलग होता, जैसे हम लोग अभी जी रहे हैं वैसे के अनुसार से, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये सही होता। लेकिन आपके इस क्वेश्चन के इस ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, ठीक है। प्लीज आप लोग देखिएगा, ठीक है ना, आप लोग समझिएगा इसको, ऐसे क्वेश्चन दिए हुए थे तभी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका ये रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड सीरीज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपीटेड सीरीज बोलते हैं। तो रिपीटेड सीरीज से मैं क्वेश्चन आया था, मैं आपको बताता हूँ, फिर से मैं एक बार बताता हूँ, बहुत इजी होता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, लेकिन हाँ थोड़ा सा समझिएगा अच्छे से तभी इसको बनाइएगा, ठीक है। देखिएगा फ्रेंड्स, 10 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अक्षरों का कौन सा खाली स्थान पर क्रमबद्ध रखने से दी गई अक्षरों श्रृंखला को पूरा करा जाएगा, मतलब कि यहाँ पे कौन सा लेटर रखे ये पैटर्न फॉलो हो जाए। तो सबसे पहले जब भी आपका ये रिपीटेड सीरीज से फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन आएगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ना जितने भी नंबर और खाली स्थान जो भी है ना उसको सबको काउंट कर देना। क्या करना है, देखिए जैसे मैं यहाँ पे दिख रहा है ना, ये एक हो गया, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल हो गिना, ऐसा नहीं कि सिर्फ लेटर हो गिना, टोटल हो गिन लेना। तो क्या है फ्रेंड्स, 12 आया, 12 कहने का मतलब क्या, इसको इक्वल भाग में बांटिए, या तो 4 में बांटिए या तो 3 में बांटिए, तो मेरा मानना है कि 3 में बांटे, तो 3 × 4 जैसे आपको लगे कि बांटना चाहिए, चाहे जितना इजी, क्योंकि जितना कम बांटिएगा, अगर 3 से नहीं लगेगा तो 4 से 4 भाग में बांटेंगे, 4 3 4 इसको 4 भाग में बांट देंगे। अगर यहाँ पे हम लोग क्या किए फ्रेंड्स, 3 भाग में बांट दिए, कहने का क्या मतलब कि हम लोग 3 को काउंट करेंगे, तो 1 2 3 हो गया 1, 1 2 3 हो गया 2, 1 2 3 ये हो गया और 3, तो देखिए ये हो गया। तो अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें लॉजिक आपका क्या कर रहा है, मतलब इसमें क्या लॉजिक पैटर्न फॉलो हो रहा है उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए AA फिर है BB फिर AA फिर BB, मतलब कहने का क्या मतलब फ्रेंड्स, देखिए तो यहाँ पे AA है, यहाँ पे BB है, यहाँ पे A है, तो यहाँ पे बीच में खाली, तो यहाँ पे A हो जाएगा, हुआ कि नहीं होगा। अब यहाँ तक यहाँ पे B है, तो यहाँ B है, तो यहाँ पे B हो जाएगा, मतलब क्या कि आपका पैटर्न AAA BBB AA BBB, कहने का क्या मतलब फ्रेंड्स, आपका जो सीरीज, मतलब जो अल्फाबेट सीरीज जो काम कर रहा है, क्या कर रहा है, AB AB फ्रेंड्स। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, यानी कि AB AB हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रिपीटेड सीरीज है, इससे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। पहले तो इसको इक्वल भाग में बांटिएगा, क्योंकि ज़्यादा ईजी बनेगा, ठीक है, कॉन्फिडेंस के चक्कर में नहीं रहेगा, आपको पहले इक्वल भाग में बांट लीजिएगा, तो कि आप लोगों को ईजी हो जाए बनाने में, ठीक है फ्रेंड्स। और देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन को समझिएगा थोड़ा सा, मतलब क्वेश्चन को घुमाए हुए, ठीक है, एनालॉजी का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं एग्जाम में, और ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, इसको डायरेक्शन में मिक्स कर दिया, देखिए, ठीक है ना। तो क्या क्वेश्चन दिया है कि पश्चिम, यानी कि वेस्ट का वेस्ट जिसको बोलते हैं, वेस्ट का जो संबंध है वो उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट से है, तो साउथ यानी कि दक्षिण का संबंध किससे है। तो सिंपल सा देखिए, अब ये क्वेश्चन तो आप ऐसे देखिएगा कि इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पे नीचे मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब किया हूँ, तो थोड़ा सा उसको समझिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। क्या बताया क्वेश्चन है कि पश्चिम का संबंध किससे है, तो उत्तर पूर्व से। उत्तर पूर्व कहने का मतलब क्या, मतलब क्या कि नॉर्थ ईस्ट से संबंध है। देखिए यहाँ पे ऊपर में नॉर्थ लगा दिया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, आपको दिख रहा है ना, वहाँ पे हो गया। तो देखिए क्या है कि वेस्ट का संबंध किससे है, तो यहाँ पे मतलब वेस्ट का संबंध नॉर्थ ईस्ट से है, तो नॉर्थ ईस्ट से है, तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे वेस्ट है और ऊपर नॉर्थ है, ऊपर नॉर्थ हो गया, यहाँ पे वेस्ट हो गया फ्रेंड्स। तो देखिए क्या बताया कि नॉर्थ ईस्ट से संबंधित, नॉर्थ ईस्ट, तो यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ से यहाँ अगर आते हैं, ठीक है, आप पढ़े होंगे, यहाँ से जब हम यहाँ आते हैं तो क्या होता है कि 90 डिग्री ऐड करते हैं, और जब यहाँ से अगर आधा हाफ आएंगे तो कितना जाएगा, 45 डिग्री होगा, यानी कि फ्रेंड्स 90 डिग्री प्लस, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री क्या हो जाएगा, 135 डिग्री हो जाएगा, मतलब क्या 135 डिग्री है यहाँ से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेस्ट का संबंध जो है फ्रेंड्स क्या है, देखिए तो नॉर्थ ईस्ट से हो गया, वेस्ट का संबंध किससे हो गया, नॉर्थ ईस्ट से, तो उसी प्रकार से देखिए किसका है, साउथ यानी कि दक्षिण, साउथ देखिएगा यहाँ पे, साउथ का संबंध किससे है, तो देखिए साउथ यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी हम लोग पहले यहाँ से आएंगे तो 90 डिग्री होगा, इसको 40 ऐड करेंगे, तो फ्रेंड्स 90 प्लस 45 ऐड करेंगे तो कितना 135 हो जाएगा, मतलब क्या निकाल फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नॉर्थ वेस्ट हमारा सही, उत्तर पश्चिम हमारा सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। समझ में आया कि नहीं आया समझ में, तो देखिएगा बस इसमें कितना ऐड किया है, तो 135 डिग्री ऐड किया है, 135 डिग्री ऐड करेंगे तो नॉर्थ वेस्ट क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। अगर इधर से अगर 135 ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाता। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं फ्रेंड्स, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। तो प्लीज़ अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको आज का क्लास कैसा लगा। ठीक है फ्रेंड्स। और हाँ, टाइमिंग एक और देख लीजिए फिर से। टाइमिंग मैं आपको बता दिया, जीके जीएस का टाइमिंग 10 AM, रीजनिंग का टाइमिंग 2 PM, मैथ्स का टाइमिंग 7 PM। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी कर रहे हैं। ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि अब की बार RRB NTPC ग्रुप D पार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो नए अंदाज के साथ। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।